हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका हेल्थी एटॉमी के अंदर। आज हम बात करेंगे ग्रीन टी के बारे में कि किस तरीके से क्या बेनिफिट होते हैं ग्रीन टी के और किस तरीके से आप उसको यूज़ करना चाहिए। टी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है और ख़ासकर डॉक्टर भी इसको काफ़ी सजेस्ट करते हैं उन लोगों को जो कहीं ना कहीं वेरियस तरीके से अलग अलग तरीके डिजीज़ को फेस कर रहे हैं। ग्रीन टी लोडेड होता है विथ हेल्थी न्यूट्रिएंट, मतलब कि इसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको पॉलीफिनॉल मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, फ्लेवोनॉइड्स मिलता है, और जो आपके फ्री रेडिकल से फाइट करता है, यानी कि आपके स्किन के अंदर जो फ्री रेडिकल, यानी कि फ्री रेडिकल आपकी स्किन के अंदर ऐड होते हैं या बनने लगते हैं, उनको बनने से पहले ही ख़त्म कर देता है। ग्रीन टी हेल्प करता है कैंसर पेशेंट में, और ये भी देखा गया, स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि जो इंसान ग्रीन टी को कंज्यूम करता है वो कहीं ना कहीं कैंसर वाली प्रॉब्लम से दूर रहता है और उसको कैंसर की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। ग्रीन टी इज़ वेरी गुड फॉर माउथ, मतलब कि जिन लोगों की मुंह से बदबू आती है, अगर आप ग्रीन टी का सेवन करते हैं या ग्रीन टी को यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आपके मुंह से जो बैक्टीरिया बनते हैं आपके मुंह में, जिसके वजह से बदबू आती है, वो बैक्टीरिया बनना बंद हो जाते हैं। ग्रीन टी बहुत ही अच्छा लोगों के माइंड को और लोगों को कॉन्फिडेंट फील कराने में हेल्प करता है, फोकस कराता है। इसके अंदर आपको 30 से 50 mg का कैफीन मिलता है, जो कि हाफ ऑफ कप होता है कॉफ़ी के जितना। अब इसके अंदर आपको ऐड करा गया है एल लैथिनाइन, जो कि कैफीन के साथ मिक्स होने के बाद इसकी पावर को इंक्रीज कर देता है। ग्रीन टी आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर को लोअर रखता है। ग्रीन टी हेल्प करता है आपको आपके फैट को बर्न करने में। जितने भी इंसान आज कहीं ना कहीं फैट को लेकर या बेली फैट को लेकर या वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ग्रीन टी आपकी हेल्प कर सकता है इस गोल को अचीव करने में। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है और आपके ऑक्सीडेशन, यानी कि फैट में से जो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस होता है उसको निकालता है, जिसके वजह से अगर वहाँ से एनर्जी निकलना स्टार्ट होगी तो आपकी बॉडी ज़्यादा वेट रिड्यूस करेगी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं और आपकी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी अगर सबसे ज़्यादा वहाँ पे बची होगी, तो आपकी बॉडी उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जिसके वजह से आपको ज़्यादा स्वेटिंग आती है, और उस फैट कंजप्शन से जब ये एनर्जी निकलती है तो आपका फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रीन टी बूस्ट करता है आपके ब्रेन को, पार्किंसन एंड अल्जाइमर जैसे डिजीज में भी काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। ये इंक्रीज करेगा आपके लाइफ स्पैन। 3 से 4 कप जो भी इंसान ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं, ये देखा गया है उनको स्ट्रोक्स, ऑल केस ऑफ मोर्टालिटी रेट में उनको हेल्प मिलता है, डिजीज़ लाइक स्ट्रोक्स, हार्ट डिजीज़, कैंसर, इन सभी एरियाज में आपको ग्रीन टी हेल्प करता है ओवरकम करने में। डायरेक्टली बॉयलर में इसको ना डालें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बॉयलर में डालेंगे तो इसकी जो प्योरिटीज़ है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स है, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो ग्रीन टी को एक नॉर्मल कप में जितना पानी आप डालते हैं उसके अंदर आपको एक कटा हुआ लेमन डालना है आधा, और डालने के बाद इसको कंज्यूम करना है। अब बात करते हैं कि जो एटॉमी है, एटॉमी के ग्रीन टी में आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये एक नेचुरल स्मूथ फ्लेवर आपको मिलेगा, हार्वेस्टेड किया गया है एक चुनिंदा एनवायरनमेंट के अंदर, जहाँ पे आपको ग्रेट एरोमा के साथ साथ आपको ग्रेट टेस्ट भी मिलेगा। एटॉमी ऑर्गेनिक टी उगता है जीजू में। जीजू आइलैंड है एक ऐसा, जो कि ऑप्टिमल माना जाता है टी को बनाने के लिए या ग्रीन टी को उगाने के लिए, जिसकी जीजू सॉइल के अंदर आपको 2 से 10 टाइम मोर ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है, इसलिए इस एरिया को चूज़ करा गया है ग्रीन टी को बनाने के लिए। ग्रीन टी को चाहिए एक ऑप्टिमल क्लाइमेट ग्रो होने के लिए, 16 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। साथ ही साथ सहज भी एक प्रीमियम क्वालिटी टी है, जो नेचुरल ग्रीन टी के सारे बेनिफिट्स देने में आपको हेल्प करेगा। इसको पीते ही आप रिफ्रेशिंग फील करते हैं, टेस्ट आपको अच्छा लगता है, इसमें एरोमा जो आपको मिलता है उससे आपकी पूरी दिन की जो दिनचर्या है बहुत अच्छी तरीके से रहती है। माइल्डी स्मोकी एंड मटी एनवायरनमेंट के अंदर इसको उगाया जाता है। बेस्ट टी लीव्स को लिया जाता है ताकि उसको कंज्यूम करने के बाद उसका ग्रीन टी बनाया जा सके। वो लीव्स ऑक्सीडेट ना हो पाए उनको स्ट्रीम किया जाता है, ताकि वो स्ट्रीम रहेंगे तो उनके अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। नेचुरल शेपिंग की जाती है ताकि जो नेचुरल सब्सटेंस उसके अंदर ऐड करा गया प्रिजर्व रहे,
कभी ख़त्म ना हो, और उसके ऊपर खास ध्यान रखा जाता है कि जितने भी सब्सटेंस इसके अंदर ऐड करेंगे वो सभी के सभी आपको एक कप में मिल सकें, ताकि अगर आप एक कप भी कंज्यूम करते हैं ग्रीन टी का सभी का सभी बेनिफिट आपको उस एक कप के अंदर आप कंज्यूम कर पाए अपनी बॉडी के अंदर। धीरे धीरे उनको ड्राई किया जाता है ताकि उनके न्यूट्रिएंट्स को हम प्रिजर्व करके रख सकें, ताकि 5% मॉइस्चराइजेशन कंटेंट के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और कम से कम इसका लॉस हो सके। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को स्ट्रीम कर रहे हैं या ड्राई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इसका न्यूट्रिएंट्स कम होता है, बट इस प्रोसेस के अंदर केवल और केवल 5% न्यूट्रिएंट्स ही कम होता है, उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होता है। और इसके बाद एक इंसान इसको अच्छे तरीके से कंज्यूम कर सकता है। हर एक सिलेक्शन उसकी शेप के अकॉर्डिंगली, उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली की जाती है। रोस्टिंग करते टाइम उसके ऊपर खास ध्यान रखा जाता है कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसका टेस्ट और फ्लेवर आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आप उसको इंटेक कर सकें। हाउ टू इन्जॉय ग्रीन टी, आप ग्रीन टी को कैसे इन्जॉय कर सकते हैं एटॉमी के? आपको एक टी बैग को पिक करना है, एक कप में आपको 150 ml बॉयल वाटर डालना है, जिसके अंदर आपको हल्का सा लेमन डालना है, और लेमन डालते ही इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसका एरोमा आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट डाला गया है उससे आपको कुछ भी आपको साइड इफेक्ट केमिकल नहीं मिलेगा। और 3 मिनट्स तक आपको वेट करना है, 3 मिनट्स तक आपको बॉयल वाटर के अंदर आपको उस ग्रीन टी के बैग को डुबाना है या डिप करना है। जितनी ज़्यादा आप डिप करेंगे और 3 मिनट तक, उतना ही ज़्यादा उसका फ्लेवर उस कप के अंदर आपको निखर के मिलेगा। और जब ये हो जाएगा उसके बाद आप उसको रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। आइडियल टेम्परेचर क्या रहता है एक अच्छे ग्रीन टी को उगाने के लिए या ग्रीन टी को अच्छी तरीके से आप कंज्यूम कर सकें? 160 degree Fahrenheit से लेकर 170 degree Fahrenheit, और 70 degree Celsius से लेकर 80 degree Celsius, यानी कि इस टेम्परेचर के अंदर जो भी लोग पीते हैं या इस टेम्परेचर के अंदर जो भी ग्रीन टी उगती है वो ऑप्टिमल मानी जाती है। और इसको अगर आपने एक बार कंज्यूम करना स्टार्ट करा तो आप यकीन मानिए कि आपको वो सभी बेनिफिट मिलेंगे जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताएं। सो आई होप इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें मैंने आपको गाइड करी हैं स्टेप बाय स्टेप वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। और इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपनी सभी व्हाट्सएप ग्रुप की टीम के अंदर आप इसको इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक इंसान इस एटॉमिक ग्रीन टी के बारे में जान सके और समझ सके और अपनी टीम को भी गाइड कर सके। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम थैंक यू सो मच।